सुबह सुबह की भाग दौड़ में झट से बन जाने वाला ये हेल्दी नाश्ता बच्चे बड़ों सभी के लिए तैयार कीजिए। जो बच्चे आसानी से वेजिटेबल नहीं खाते उनके लिए तो जरूर बनाइए, लंच में भी पैक करके दे सकते हैं। और मैं दावे से कहती हूँ कि ये नाश्ता बच्चे मांग मांग के खाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको झट से मिल सके। तो सबसे पहले हम गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। एक चम्मच ऑयल डालेंगे, एक छोटा चम्मच सरसों के दाने डालेंगे, एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हींग डाल के एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कट करके डाल देंगे और एक मीडियम साइज का कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च भी बारीक कट करके डाल देंगे और एक मीडियम साइज का टमाटर मैंने डाला है। टमाटर का बीज का हिस्सा जो बीजे वाला होता है यानी टमाटर का पल्प मैंने हटा दिया है। और अब इसे थोड़ा तीखा फ्लेवर देने के लिए हम दो हरी मिर्च भी कट करके डाल देंगे। आप इसे हटा भी सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। सभी अच्छे से सौटे हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा कच्चापन ख़त्म करना था। एक कप आटा लेंगे बॉल में और ये तड़का थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब इसमें डाल देंगे। इसके बाद में इसे मिक्स करेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी करके हम इसका एक बैटर तैयार करेंगे। ये नाश्ता झटपट से बनके तैयार होता है। मॉर्निंग में आप फटाफट से बना के बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, घर पे भी नाश्ते में दे सकते हैं। बच्चे बड़े इंजॉय लेके खाते हैं इसको। और ये इस तरीके का बैटर मैंने तैयार किया है, मैं दिखा रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए ऐसी रहेगी। इसे चम्मच से गिरा रहे हैं तो आसानी से गिर रही है। अब फिर से गैस पे हम एक तवा चढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इस ऑयल को टिश्यू पेपर से पूरे पे लगा लेंगे। इसके बाद में ये बैटर डालेंगे। मैं 3 चम्मच बैटर डाल रही हूँ, आपको जितना डालना हो आप डाल लीजिए। और फिर इसको हाथों से थोड़ा सा फैला लेंगे, जैसे चीला नहीं बनाते हैं उस टाइप से इसको बना लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस ये नाश्ता बनके तैयार होता है। और ये चीला जब एक साइड से अच्छे से हो जाएगा तब हम सेकंड साइड में पलटेंगे। फ्लेवर के लिए मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आप यहाँ पे जो फ्लेवर डालना चाहे, बटर डालना चाहे बटर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल भी लगा रही हूँ और इसे पलट दे रही हूँ, आसानी से पलट जाता है। और इसे पकाते समय गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है जिससे अच्छे से पक जाए। इसमें ऑयल कम ज़्यादा आप अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं। तो ये हेल्दी नाश्ता ज़रूर बनाइए और चाहे सुबह चाय के साथ खाइए, किसी भी चटनी के साथ, अचार के साथ, या फिर ऐसे ही इसको दही के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा, सभी इसे बहुत पसंद करेंगे। और इसके ऊपर मैंने चिली फ्लेक्स डाला है। आप चाहें तो बटर भी बढ़ा सकते हैं या और भी फ्लेवर जो डालना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। और ये गेहूँ के आटे से बनी हुई हेल्दी रेसिपी चाहे सुबह खाइए चाहे शाम खाइए, सभी को बहुत पसंद आएगी। और आज की ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ऐसी ही यूनिक और झटपट से बनने वाली रेसिपीज आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।